And this is Kanthapura chapter 10. We are taking chapter 10 today. आज हम ये chapter 10 ले रहे हैं आप सबके लिए. और this is detailed summary. और ये detailed summary है chapter 10 पे. Kanthapura chapter 10. Let's begin now. Raja Rao has used myths in this novel in plenty. आप जानते हैं कि राजा राव ने इस नावल में बहुत से myths अप्लाई किए हैं, बहुत से myths यूज किए हैं. Sorry, disturbance in the street. Sorry about the disturbance. The chapter 10 also has been centralized on a popular myth. और जो चैप्टर 10 है ये भी एक मिथ पर आधारित है दैट प्रिवेल्स नॉट ओनली इन द नॉर्थ साउथ बट आल्सो इन द नॉर्थ इंडिया. ना केवल ये मिथ नॉर्थ साउथ में प्रिवेल करता है, मौजूद है, फैला हुआ है, बल्कि ये नॉर्थ इंडिया में भी मौजूद है. पीपल बिलीव दैट गॉड्स डिसेंड ऑन द अर्थ इन द मंथ ऑफ कार्तिक. लोग ये विश्वास करते हैं कि कार्तिक के महीने में जो देवी देवता होते हैं वो धरती पे आ जाते हैं. और ये बहुत से लोगों का पक्का विश्वास है, पक्का बिलीव है. सो इट इज सेड टू बी द मंथ ऑफ गॉड्स. इसलिए कार्तिक के महीने को देवताओं का महीना भी कहा जाता है. स्पेशल डेकोरेशन हैज बीन डन इन कांथापुरा. और इसी वजह से कार्तिक के महीने में कांथापुरा में विशेष डेकोरेशन क्या होती है, सजावट को डेकोरेशन कहते हैं, सजावट कर दी गई थी. स्ट्रीट्स, ट्रीज, हाउसेज वर डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइट्स. और गलियों में, वृक्षों पे, घरों पे जो कलरफुल लाइट्स होती हैं, रंगीन रोशनी होती है, उसे डेकोरेट कर दिया था, सजा दिया था. इट्स कस्टमरी, ये रिवाज है, रिवाज इसे कहते हैं, कस्टमरी रिवाज के मुताबिक, दिस इज कस्टम इन कंथपुरा दैट ए प्रोसेशन. प्रोसेशन क्या होता है, जैसे लोग गलियों में से गुजरते हैं, एक जुलूस सा निकाल के निकलते हैं, जुलूस को प्रोसेशन बोलते हैं. और गॉड्स इज टू पास थ्रू द स्ट्रीट्स. गलियों में से एक जुलूस निकालना था देवी देवताओं को रथ पे सवार करके या कन्वेंस पे किसी पे उनको ले जाना था. सो लाइट्स आर लिट टू सी द प्रोसेशन ऑफ गॉड्स पास बाय. इस वजह से लाइटें जल चुकी थी गलियों में ताकि जो प्रोसेशन है गॉड्स का उसको जाते हुए देख सके लोग. टिल लेट एट नाइट, आधी रात तक, मतलब देर रात तक. व्हेन द होल विलेज, जब सारा गांव सो रहा था, एस्लीप था, सोया हुआ था. द पुलिस रेड्स रंगम्मास हाउस टू अरेस्ट मूर्ति. तो पुलिस रंगम्मा के घर में रेड करती है ताकि वो मूर्ति को अरेस्ट कर सके. मूर्ति को अरेस्ट करने के लिए रात को देर रात गए, आधी रात के बाद पुलिस आती है. द इंस्पेक्टर इज ए शॉर्ट. अब इंस्पेक्टर के बारे में नरेटर हमें बताते हैं कि वो एक छोटे कद के राउंड मैन, गोल मटोल से, एंड ही स्टैंड्स बिसाइड मूर्ति. और वो मूर्ति के पास खड़े हैं. ये कांथापुरा का चैप्टर 10 हम ले रहे हैं. चैप्टर 10 की डिटेल्ड समरी हम करा रहे हैं. और ये बीए फाइनल ईयर में ये लगा हुआ है कांथापुरा. हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें लगा हुआ है. A heap of books and charkhas, cotton and folded clothes are lying in the middle of the room. और heap of books, आप जानते हैं कि मूर्ति पढ़ा हुआ था, हायर एजुकेशन इसने प्राप्त की हुई है. और पुस्तकों का एक ढेर, heap का मतलब क्या होता है, ढेर. पुस्तकों का एक ढेर, चरखा भी, क्यों गांधीयन फिलोसफी में विश्वास करता है मूर्ति. कॉटन भी, फोल्डेड क्लोज, उसके कमरे के बीचों बीच पड़े हुए हैं. सम पुलिसमैन आर सर्चिंग फॉर समथिंग इन द हीप. और पुलिस ने
उस किताबों के ढेर को और कपड़ों को भी फैला रखा है पुष्पी के। थैंक यू। सम पुलिसमैन आर सर्चिंग, कुछ पुलिसमैन सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं फॉर समथिंग, किसी चीज की। इन द हीप, हीप मैंने ढेर, जो ढेर है कपड़ों का ढेर, पुस्तकों का ढेर, उसमें कुछ सर्च कर रहे हैं। दे आर टर्निंग बुक्स दिस वे एंड दैट वे, किताबों को उल्ट उल्ट करके पथल के देख रहे हैं। बुक्स आर ओपन, किताबें खोल के भी देख रहे हैं। मूर्ति स्टैंड्स देयर नोडिंग हिज हेड, और मूर्ति एक तरफ खड़ा हुआ अपना सिर हिला रहा है, नोड कर रहा है। रंगम्मा इज क्राइंग लाउडली, और रंगम्मा ऊंची ऊंची चीख रही है, रो रही है, वो जोर जोर से रो रही है। ओ सिनर सिनर्स टू हैव दिस इन हर ओल्ड एज, ओ पापियो, अब ये भी देखना था मुझे अपने बुढ़ापे में। इस तरह से वो कह जा रही है। रंगम्मा सुरप्पा एंड अदर्स कम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू सी व्हाट इज हैपनिंग देयर एट दैट ऑड आवर, और उधर गली में शोर सुन के रंगम्मा सुरप्पा और दूसरे भी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं कि इतनी देर गए रात को, क्या हो रहा है, क्या हो गया रंगम्मा के घर में। एक्चुअली दे थिंक दैट रंगम्मा फादर वॉज एक्सपायर्ड, वास्तव में वो ये सोचते हैं कि रंगम्मा के फादर की डेथ हो गई होगी। आफ्टर दैट, इसके पश्चात क्या होता है, द पुलिसमैन टर्निंग टू बड़े खान, बड़े खान भी पुलिस में ही है तो यहीं रहता है, यहाँ तो गांव में इसे ठिकाना नहीं मिला था, तो उसमें कॉफी एस्टेट में रहता है। थोड़ी देर बाद पुलिसमैन बड़े खान की तरफ मुड़ के कहता है, उसे हुक्म देता है, ऑर्डर करता है ऊंची आवाज में लाउडली टू बाइंड मूर्ति, कि मूर्ति को बांध लो। देन मोर पीपल इंक्लूडिंग रेंज गौड़ा, और फिर और व्यक्ति गांव के, जिसमें रेंज गौड़ा था, मदा था, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। गौड़ा टेल्स मदा सीक्रेटली टू गो एंड कॉल अदर्स, गौड़ा चुपचाप मदा को कहता है कि दूसरे व्यक्तियों को बुला लो, गांव के जितने भी लोग हैं उनको बुला लो। परिया रचन्ना मदन्ना लंगैया एंड हिज वाइफ रीच देयर इन नो टाइम, और तुरंत ही परिया रचन्ना और मदन्ना लंगैया और उसकी पत्नी भी उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पुलिस है, उनके घर में मूर्ति के। देन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ अब्यूसिव वर्ड्स बिटवीन द पुलिस एंड द विलेजर्स, फिर गांव वालों के बीच में और पुलिस के बीच में गाली गलौज होती है, अब्यूसिव वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, मतलब वो गाली देते हैं एक दूसरे को। और इन द मीन टाइम, इसी दौरान रचन्ना डेयर्स पुलिसमैन, रचन्ना पुलिसमैन को डेयर करता है, मतलब उसे चुनौती देता है टू बीट हिम, कि उसे पीटे, इफ ही हैज करेज, सॉरी, एक दो तीन मिनट के लिए, कुछ एक सेकंड्स के लिए ये चला जाएगा। तो रचन्ना पुलिस वालों को कहता है कि दम है तो मुझे पीट के दिखाओ। आफ्टर दैट उसके पास पश्चात क्या होता है, ही क्राइस, और वो चिल्लाता है, गांधी महात्मा की जय, गांधी महात्मा की जय, इस तरह से जय जयकार करने लग जाता है। द पुलिसमैन रशेस क्विकली, और पुलिसमैन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और बैंग्स रचन्ना, और रचन्ना को दीवार में मारता है, बैंग करना होता है, पटक के मारना। हु अगेंस्ट क्राइस, और फिर वो चिल्लाता है, गांधी महात्मा की जय, गांधी महात्मा की जय, इस तरह से वो बोलता रहता है। द अदर पुलिसमैन आल्सो मूव फॉरवर्ड, दूसरे पुलिसमैन भी आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट बीटिंग द पीपल, और लोगों को पीटने लग जाते हैं। वीमेन स्टार्ट क्राइंग लाउडली, महिलाएं जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। एंड मैन रश फ्रॉम द स्ट्रीट टू दी अदर, और जो पुरुष लोग हैं वो एक गली से दूसरी गली की तरफ भागते हैं। सुखदेव कौशिक, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। रचन्ना अगेन स्पीक्स लाउडली, रचन्ना फिर जोर से बोलता है, गांधी महात्मा की जय, और फिर क्या होता है, एंड देन द इंस्पेक्टर शाउट्स, जो इंस्पेक्टर था वो चिल्लाता है, कहता है, अरेस्ट दैट स्वाइन, कि इसको गाली देके कहता है कि इसे अरेस्ट कर लो।
एज द पुलिसमैन कम्स फॉरवर्ड टू अरेस्ट रचन्ना, जैसे ही पुलिसमैन आगे बढ़ते हैं रचन्ना को अरेस्ट करने के लिए, ऑल कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड अराउंड हिम टू स्टॉप द अरेस्ट। सभी लोग एक ह्यूमन चेन बना लेते हैं और उसको अरेस्ट करने से रोकते हैं पुलिस को। अगेन देर इज ए लाठी चार्ज, फिर लाठी चार्ज होता है, मैन श्रीक, लोग चीखे मारते हैं, वीमेन एंड चिल्ड्रन स्टार्ट क्राइंग, महिलाएं और बच्चे चीखना शुरू कर देते हैं। द मोर द मैन गो टुवर्ड्स मूर्ति, जितने अधिक व्यक्ति मूर्ति की तरफ जाते हैं जितनी, और उतने ही पुलिस वाले उन्हें पीटते हैं, मतलब वो धकेलते हैं पीछे और उनको पीटते भी रहते हैं कि मूर्ति की तरफ ना जाएं, मूर्ति को घेरे में ना लें। आफ्टर दैट मूर्ति सेज समथिंग इन द इंस्पेक्टर्स ईयर, इसके पश्चात मूर्ति इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहता है एंड कम्स अलोंग इन द वेरेंडा, और वेरेंडा में बाहर आ जाता है। अब ये टेक्स्ट है थोड़ी सी, ब्रदर इन द नेम ऑफ महात्मा लेट देयर बी पीस एंड लव एंड ऑर्डर। मूर्ति ने शायद ये शब्द कहे थे कि भाई महात्मा के नाम पे गांव में शांति, प्यार और एक व्यवस्था बनाइए। एज मूर्ति अटर्स महात्मा, जैसे महात्मा गांधी का नाम लेता है मूर्ति, द पुलिस इंस्पेक्टर ड्रैग्स हिम ब्रूटली, और पुलिसमैन मूर्ति को बुरी तरह से, ब्रूटली क्या होता है, क्रूअली, निर्दयता के साथ क्रूअली उसको खींचता है, ड्रैग करना, खींचना होता है। और बट मूर्ति कंटिन्यूज अप्रिशिएटिंग महात्मा गांधी, परंतु मूर्ति महात्मा गांधी की प्रशंसा करता रहता है और जय जयकार करता रहता है महात्मा गांधी का। द इंस्पेक्टर गेट्स फ्यूरियस, इस बात पे इंस्पेक्टर जो था आग बबूला हो जाता है, फ्यूरियस होता है जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, आग बबूला जिसे कहते हैं, आग बबूला हो जाना गुस्से में, आग बबूला हो जाता है, एंड इवन स्लैप्स ऑन मूर्ति's फेस, और मूर्ति के चेहरे पे थप्पड़ मारता है, स्लैप करता है। रचन्ना अगेन क्राइज, रचन्ना फिर चिल्लाता है महात्मा गांधी की जय, अदर्स आल्सो फॉलो हिम, दूसरे लोग भी महात्मा गांधी की जय करने लग जाते हैं। द पुलिसमैन अगेन स्टार्ट्स बीटिंग देम, और पुलिसमैन फिर उनको पीटने लग जाते हैं, एंड अरेस्ट, दे अरेस्ट ऑल द लीडर्स, और जितने भी लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट मूर्ति इज ड्रैग डाउन द स्टेप्स, और फिर सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए पुलिसमैन मूर्ति को नीचे ले आते हैं, एंड ऑल द वीमेन कम फॉरवर्ड एंड क्राई आउट, और जितनी भी महिलाएं थी वो सामने आ जाती हैं और चिल्लाने लग जाती हैं, ओ गिव अस बैक आवर मैन, यहाँ आवर है, आवर मैन एंड आवर मास्टर, जो हमारा ये मूर्ति को मास्टर कह रहे हैं, हमारे मालिक को वापस कर दो, हमारे आदमियों को छोड़ दो, और मैन आवर मास्टर, बट द पुलिस इंस्पेक्टर सेज, परंतु पुलिस इंस्पेक्टर कहता है गिव देम शूज ओवर, जूतों की बरसात करो इन पे। द पुलिसमैन किक देम इन द बैक, पुलिसमैन उनको पीठ में किक मारते हैं, सिर में किक मारते हैं, पेट में किक मारते हैं। व्हेन रेंज गार्ड सीज पुलिसमैन डूइंग एक्सेस ऑन द वीमेन, जब रेंज गौड़ा पुलिसमैन को महिलाओं पे ज्यादती करते हुए देखते हैं, एक्सेस करते हुए देखते हैं, ही रशेस एट देम, वो उनकी तरफ भागता है विद ए स्टिक एंड ब्रिंग्स इट ऑन द हेड ऑफ ए पुलिसमैन हु सिंक्स डाउन, और डंडा मारने का प्रयत्न करता है एक पुलिसमैन के सिर पे, और पुलिसमैन नीचे की तरफ झुक जाता है। आफ्टर दैट द पुलिसमैन स्टार्ट्स बीटिंग टू डिस्पर्स देम, फिर पुलिसमैन उन सबको पीटने लग जाता है ताकि उनको डिस्पर्स कर दे, डिस्पर्स करना होता है तितर बितर करना, भगा देना, तितर बितर करना, डिस्पर्स करना होता है, भगाना मतलब ये सिंपल वर्ड है आपके लिए, डिस्पर्स करना, इधर उधर बिखेर देना। देयर आर क्राइज, कॉप्स, ओथ्स एंड बैंग्स एंड शाउट्स, महात्मा गांधी की जय, इस तरह से चीख पुकार हो जाती है गली में, कॉप्स खांस रहे हैं लोग, ओथ कसमें खा रहे हैं, बैंग कुछ चीजें दे दे के मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। शाउट्स आल्सो कम फ्रॉम द ब्राह्मण्स क्वार्टर, और चिल्लाहट चीखें ब्राह्मण के जो घर हैं उनका जो मोहल्ला है, क्वार्टर बोलते हैं उसे, ये कांथापुरा नावल है,
कांथापुरा को हम यहाँ पे चैप्टर 10 की डिटेल स्टडी कर रहे हैं, और ब्राह्मण के मोहल्ले से भी चीख पुकार आती है, एंड द पुलिस रन टुवर्ड्स देम, और पुलिस वाले भी उधर भागते हैं, एंड ऑल्सो बीट देम, और उनको भी पीटते हैं। ओल्ड रमन्ना एंड डोर कम फॉरवर्ड एंड कॉल देमसेल्व्स गांधीज मैन। बूढ़ा रमन्ना और डोर आगे बढ़ के आते हैं और पुलिस वालों के सामने कहते हैं कि हम गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, गांधी जी के चेले हैं, शिष्य हैं। एंड पुलिसमैन बीट देम अंटिल दे फॉल फ्लैट, जब तक वो जमीन पे नहीं गिर जाते तो उन्हें पीटते रहते। नाउ द डॉन वॉज राइजिंग ओवर द कंचम्मा हिल। अब कंचम्मा हिल की तरफ देखें तो आसमान में लालिमा आ जाती है, इसका मतलब डॉन टाइम जो होता है भोर का समय, भोर का समय हो जाता है, सूरज निकलने वाला हो जाता है, भोर का समय मतलब सुबह, सुबह का समय हो जाता है। और ऑल मैन बिकम साइलेंट, सारे व्यक्ति चुप हो जाते हैं, वीमेन सॉबलेस हो जाती हैं, उनकी सिसकियां बंद हो जाती हैं, सिसकियां उनके मुंह में नहीं रही, मतलब रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। द पुलिसमैन बाइंड्स रोप्स अराउंड द आर्म्स ऑफ 17 मैन, और पुलिस पुलिस वाले 17 व्यक्तियों को रस्सियों में बांध देते हैं, एंड टेक देम टू संतूर पुलिस स्टेशन, और संतूर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। दे आर पुट बिहाइंड द बार्स, और वहां पे उन्हें बार्स के पीछे धकेलना मीन्स सलाखों के पीछे धकेल देते हैं, मतलब उन्हें कैद कर लेते हैं। दे वर अगेन बैट मर्सीलेसली, और निर्दयता के साथ उनको पीटा जाता है। देवर अगेन बैट, उन्हें पुनः पीटा जाता है। आफ्टर इसके आफ्टर दैट, इसके पश्चात क्या होता है, देवर लेट गो आउट बट मूर्ति वाज शिफ्टेड टू कार्वर, उन्हें जाने दिया जाता है और मूर्ति को कार्वर, ये जगह का नाम है, वहां शिफ्ट कर दिया जाता। मूर्ति हैड हिज फर्म बिलीफ दैट द ट्रूथ वुड ऑलवेज विन। ये कांथापुरा नावल का चैप्टर 10 हम कर रहे हैं। मूर्ति को पक्का विश्वास था, फर्म का मतलब होता है पक्का, पक्का विश्वास था कि सच्चाई की जीत होती है। शंकर ऑफर्स हिज सर्विसेज टू डिफेंड हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और शंकर एक वकील है और कहता है मूर्ति को आके वो उसकी रक्षा करेगा, कोर्ट में जाके उसका केस लड़ेगा। परंतु मूर्ति वेरी पोलाइटली डिक्लाइंड हिज ऑफर, उसकी ऑफर को बहुत ही विनम्रता के साथ डिक्लाइन कर देता है, और ही आस्क्स फॉर हिज ब्लेसिंग्स ओनली, और कहता है कि अपने आशीर्वाद मुझे दीजिए, उसकी जरूरत है, बाकी वो अपने आप देख लेंगे, थोड़ा सा और रह गया। आफ्टर दैट शंकर मीट्स एडवोकेट रंगम्मा, इसके बाद शंकर एडवोकेट रंगम्मा से बात करता है। हाकी शॉप दसप्पा एंड ऑल्सो सेंड्स मैसेजेस टू वॉलंटियर्स, और संदेश भेजे जाते हैं स्वयं सेवकों को, वॉलंटियर्स को, टू असेंबल असेंबल होने के लिए इन द गांधी मैदान, कि गांधी मैदान में वो जमा हो जाए टू होल्ड ए मीटिंग, ताकि वहां एक मीटिंग कर सके। दस अ ह्यूज क्राउड असेंबल्स इन गांधी मैदान, इस तरह से एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी मैदान में खड़ी हो जाती है, जुट जाती है, असेंबल मीन्स एकत्रित हो जाती है, इन सपोर्ट ऑफ मूर्ति, मूर्ति की सपोर्ट में। द क्राउड वेलकम शंकर दसप्पा एंड एडवोकेट रंगम्मा विद ए ह्यूज ओवेशन, गांधी जी की जय। और जैसे ही वहां पे शंकर दसप्पा और एडवोकेट रंगम्मा आते हैं तो उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है और गांधी जी की जय के नारे लगते हैं। वंदे मातरम वाज ऑल्सो संग विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के वंदे मातरम को भी गाया गया। देन दे सैट ऑन द ग्राउंड, फिर सारे लोग जमीन पे बैठ जाते हैं, एंड लिसन टू द स्पीचेस डिलीवर्ड बाय शंकर, और जो स्पीचेस शंकर ने दी, रंगम्मा ने दी, दसप्पा ने दी, उनको ध्यान से सुना। दे ऑल्सो स्पोक अबाउट मूर्तिज इनक्रप्टिबल क्वालिटीज, और मूर्ति की जो क्वालिटीज थी, गुण थे जो मूर्ति में, जिनमें जरा सा भी करप्शन नहीं था, उनकी प्रशंसा की। दे ऑल स्पोक अबाउट चरखास, अहिंसा एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी,
और चरखा के बारे में बात करी, अहिंसा की बात करी और हिंदू मुसलमानों की यूनिटी की बात की सभी लोगों ने। आफ्टर दैट समवन टोल्ड शंकर टू स्पीक ऑन अनटचेबिलिटी, और फिर शंकर को किसी ने कहा कि छुआछूत पे भी थोड़ा बहुत बोलिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने आज चैप्टर 10 कांथापुरा का, कांथापुरा एक नावल है राजा राव के द्वारा लिखा गया, बीए फाइनल ईयर में लगा हुआ है सेमेस्टर 5 में, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, और ये राजा राव राइटर हैं इसके, और नावल का नाम है कांथापुरा। बहुत ही प्यारा नावल है, इसे पढ़िए। 10 चैप्टर, ये 10th चैप्टर था, उसकी डिटेल समरी हमने की। तो कल या फिर किसी और दिन कुछ और लेके फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू। लेट मी एंड अप माई सेशन नाउ।